सब बताएं सर। इट्स वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पॉन्डी ऑक्साइड्स गजब की कंपनी है एक अलग से। पहले तो मैं मिच्छामी दुक्कड़म, जो भी इस साल में गलतियां की है उसके लिए, और अनिल जी स्पेशली आपको और पूरे पैनल को और सारे ऑडियंस को और व्यूअर्स को, हम काफी गलतियां करते हैं और काफी गलत स्टॉक्स भी देते हैं, तो उसके लिए। और पीओसीएल देखिए, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये अलग ही टाइप की कंपनी है। नाम देखिए थोड़ा कम सुना हुआ है, कम जाना पहचाना है, बट कंपनी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। 1995 से कंपनी कार्यरत है, और मैं इस कंपनी को देखिए, इस सेक्टर में सिर्फ दो ही कंपनियां ऐसी जो लीड स्क्रैप्स का बहुत बड़ा काम करती है, और एक ग्रेविटा इंडिया जो कि जयपुर बेस्ड है, और उनको मैंने देखा ग्रो करते हुए। तो उसके सामने मैंने पॉन्डी ऑक्साइड्स को भी देखा, मैच किया, तो ये भी बहुत बढ़िया। वो 13-14 के पी मल्टीपल पे, ये 10-11 के पी मल्टीपल पे, और सबसे बढ़िया बात परसों ये गजब का परफॉर्मेंस दिया ही था एक ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ, और फिर भी ये सस्ते वैल्यूएशंस पे है। और दूसरी बात, अपने लाइफ टाइम हाईस को क्रॉस किया। तो जनरली मैं कंसोलिडेटेड स्टॉक ज्यादा देता हूं, बट इस बार मुझे इसमें ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते, एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, डेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 6 करोड़ की इक्विटी है, और 23-24% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% की। एक और चीज मैं जो बताना भूल गया शुरुआत में, ये कंपनी देखिए, इनका एक प्रोडक्ट है बेसिकली जो लेड ये लोग बनाते हैं, इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली एलएमई रजिस्टर्ड 9997 लेड ब्रांड है इनका, जो कि वहां पे लिस्टेड है, तो इसलिए एलएमई रजिस्टर्ड है, सॉरी, तो इससे एक और क्रेडिबिलिटी बनती है कंपनी की। और मैं वापस से फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो लीड स्क्रैप्स और ये सब में अच्छा काम करती है, और साथ साथ प्लास्टिक एडिटिव्स के प्रोड्यूसर्स भी हैं, और पिछले 7 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है कंपनी की। 31% की कैगर से कंपनी ग्रो की है, सेल्स 21% के कैगर से ग्रो की है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर पिछले 4 क्वार्टर के देखें तो डबल फिगर्स में आए हैं। जनरली ये कंपनी 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ क्वार्टरली कमा रही थी, अब ये 15 करोड़, 14 करोड़ इस तरीके से करते करते 51 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है, और 545 करोड़ की कंपनी है, और जैसा कि मैंने कहा छोटी इक्विटी और डेट्स को रिड्यूस किया है, और प्लस मैं देख रहा था इनके डेटर रिसीवेबल डेज, डेटर डेज, विच इज वेरी इंप्रेसिव दोनों ही कंपनियों के, और इसका भी सिर्फ 22 दिन है, इस तरीके का मतलब इनका वो चलता है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग में दो बहुत ही बढ़िया नाम है, डॉली खन्ना जी का, जो पिछले 2 क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में 3.64 और इस बार जून में 3.91, और संगीता एस, इनका भी नाम इसमें आ रहा है। और दूसरी बात, और जो दूसरी कंपनी मैंने ग्रेविटा बोला, तो वहां भी आशीष कचोलिया जी है। तो इस तरीके से अगर 3-4 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, तो मुझे लगता है कि 1050-1090 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। 1050-1090 ये हैं दो टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी पौंडी ऑक्साइड में। यहां पर जैन साहब की तरफ से ये स्टॉक आता हुआ पसंद। धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।